और ईद अपनों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद सफर पर चल पड़े। पिशावर से ट्रेन कराची की जानिब रवाना, कराची से एक ट्रेन कल रावलपिंडी, एक परसों मुल्तान जाएगी। बसों की बंदिश मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। कराची में सोहराब गोठ अड्डे पर मुसाफिर परेशानी से दो चार हैं। इस्लामाबाद में मनमाने किराए दर्द सर बने हुए हैं। खतरात ने ईद प्यारों के साथ बस अड्डों पर सन्नाटा, मगर रेलवे के खुसूसी इंतजाम। रेलवे हुकाम का ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। कराची से हैदराबाद और कोटरी से मीरपुर खास ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब गामजन। मुसाफिर निहाल हो गए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी रेलवे स्टेशन लाहौर पहुँच गए। कहते हैं की पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने से रिलीफ मिला। तकरीबन मैं 5-6 अड्डे फिर चुका हूँ सुबह का, तो मुझे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली है, तो आखिरकार ट्रेन के लिए आए पड़े हैं। तो इधर भी आए, एक घंटा हो गया हमें खड़े हुए। आसानी से मिल गई मुझे, तो इधर से मिल गई थी, चाचू के साथ मैंने ले ली थी। मैं तो वैसे कराची में रहता हूँ, चाचू लोगों के साथ आया था। पेशावर से परदेसियों को लेकर ट्रेन कराची की जानिब चल पड़ी। पहली ट्रेन में मुसाफिर तो कम थे, मगर जो थे वो निहाल थे। कराची में सोहराब गोठ इंटरसिटी अड्डा आज भी वीरान है। बस सर्विस बंद होने से निजी गाड़ी मालकान की चांदी हो गई। किराया ज्यादा वसूल करने पर शहरी परेशान। कहते हैं कि इंटरसिटी बस सर्विस बंद होने से मुश्किल में इजाफा हो गया। हम नौशहर पर जा रहे हैं, अभी मजबूर है, गांव जा रहे हैं ईद करने के लिए। अभी यहाँ पे आए हैं, गाड़ियाँ नहीं है, ट्रांसपोर्ट बंद है, अब परेशान है हम, गांव तो जाना है ना। ट्रांसपोर्टरों को 2 दिन और छोड़ने चाहिए थे, जो फंसे हुए लोग वो घर पहुँचने चाहिए थे। इस्लामाबाद इंटरसिटी अड्डे पर भी यही सूरत हाल है। कोई बस ना मिलने का शिकवा कर रहा है, कोई मनमाने किरायों से परेशान है। इंतजामिया के रवैये पर ट्रांसपोर्टर्स भी नाला हैं। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए।